षडयंत्र ने मोदी सरकार ते मोदी गोदी मीडिया वालों रचे जा रहे। सानू अगवाई बजुर्गों ने देनी है, मंजी असीं आपे ठोक देनी है। जनता तो उपर कुछ नहीं हुंदा, पर वह अंबानिया के अदानिया के हाथों बिकया होया। इस करके उहदी जिहड़ी बुद्धि आ, उहनां दे जिहड़ी उह खरीदो फरोख्त होई आ, उस तो उपर कम नहीं कर रही जी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलबीर राय और तुसी देख रहे हो टीवी NRI। कि खेती कानूनों नू लैके पूरे जिहड़े विश्व बल्कि इंडिया में खास करके जिहड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उहदियां तस्वीरां तुहानू दिखाना चाहांगे। लुधियाना के DC दफ्तर के बाहर जो है अज वख-वख किसान जथेबंदियों वालों जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वड्डी गिनती विच जो है किसान भरा जिहड़े इत्थे पहुंचे ने, उस बिल का जिहड़ा कानून है जिहड़ा बनाया गया है उसका विरोध करने लिए इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गलबात करना चाहेंगे कुछ आगू जिहड़े इत्थे किसान आगू ने, उन्होंने गलबात करना चाहेंगे कि उन्हों का की कहना है कि इस जिहड़ा विरोध का प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साडे नाल किसान आगू मौजूद ने। हाँ जी, अज जिहड़ा तुसी प्रोटेस्ट कर रहे हो कि मतलब कि मतलब तुहानू लगता है कि सरकार चुकनी है तुसी, क्योंकि दिल्ली में भी वड्डा एक प्रदर्शन चल रहा है, इत्थे भी तुसी अज DC दफ्तर लुधियाना प्रदर्शन कर रहे हो, की कहना? मैं बलवंत सिंह कढ़ाणी, सीनियर आगू भारतीय किसान यूनियन एकता जिला लुधियाना। जो अज असी प्रोटेस्ट DC दफ्तर अगे कर रहे हैं, साड़ी अपनी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां दे सद्दे ते भारतीय समुचियां किसान जथेबंदियां तकरीबन 450 किसान जथेबंदियां सद्दे ते यह प्रदर्शन है जिहड़ा कीता जा रहा है। यह प्रदर्शन का मकसद यह है साडा, जिथे साडे लखां भैण भरा दिल्ली दे विच मोदी सरकार दे हिक दे उपर गोडा रखी बैठे है, वह गोडे नूं होर बल बख्शण खातर जिहड़े पिछे रह गए साडे वीर है उन्हां लई हमायत है जिहड़ी दिल्ली बैठे लखां भैण भरावां दे नाल जटाउण दे लई असी ये जिहड़े धरने आ उह लाया। तो पिछे रह गई जनता, शहरी जनता, होर मजदूर वीर, मुलाजम वीर, उन्हां नूं एक जिहड़ा लोक घोल बन गया किसान घोल तो, वह लोक घोल का हिस्सा बनाउण दे विच असी ये साडे धरने ने जिहड़े DC दफ्तर वाले धरने सहाई होणगे। लगातार जिहड़ी सरकार इस चीज़ नूं लंबा पा रही है, देर कर रही है, तो तुहानूं की लगता कि मोदी सरकार हो चुकेगी कुछ, लगता फैसला किसानों के पक्ष में आएगा? देखो, सच दी हमेशा जित हुंदे होया करदी है। मोदी सरकार की पॉलिसी है भी किसानों नूं हमा दिओ, थका दिओ, इन्हां नूं वित्तीय तौर पर कमजोर कर दिओ, इन्हां दे नालों लोकां दीआं आसां मंगां तोड़ दिओ, लोक कह दण हुण कुछ नहीं बणना। पर साडी जथेबंदी BKU एकता गुराहां ने जिहड़ी घोल की तैयारी विढ़ी है, असीं थले तक अपने कैडर नूं इस गल लई तैयार कीता भी इह घोल 6 महीने भी चल सकदा, 4 साल भी चल सकदा। असीं हर हालत मोदी सरकार नूं झुका के 3 काले कानून वापस करा के, बिजली बिल 2020 वापस करा के, वह करा के ही दम लवांगे। ते जित हमेशा सच्चे लोगों की, लड़न वाले लोगों की होया करती है। बिल्कुल, तुसीं तस्वीरां होर दिखाना चाहांगे तुहानूं, नो फार्मर नो फूड के जिहड़े नौजवान ने वो पोस्टर लैके इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहना कि जो किसान नहीं होगा तो खाने को फिर कितों आएगा। नौजवान साढ़े नाल इन्हां नाल भी गलबात करते हैं। भाजी, की कहना चाहोगे? जो प्रोटेस्ट असीं कल भी देखिया दिल्ली में वड्डी जो बॉर्डर से लोग जो मौजूद ने, खासकर नौजवानों की गिनती बहुत ज़्यादा है, तुसीं की कहना? कहना की आ जी, हुण आर पार की लड़ाई आ, साढ़े बजुर्ग अगवाई कर रहे हैं, नौजवान बजुर्गों नालों दुगनी मात्रा च अंदोलन में शामिल हो रहा। तुसीं देखिया इस तों पहलां कदे नौजवानी एदां अगे नहीं सी आई, पर अज साडी होण दा सवाल आ, सानू इस गल दा एहसास हो चुका। और धन्नवाद आ सोशल मीडिया दा, तुहाडे वर्गे मीडिया दा, जिहड़ा घर घर जाग ला रहा नौजवानों नूं। और नौजवान तुसीं देख लो, अज सारे लुधियाने दे नौजवान जिहड़े इत्थे पहुंचे होए आ, सानू अगवाई बजुर्गों ने देनी आ, मंजी असीं आपे ठोक देनी है जी। नौजवानों नूं कहा जाए पंजाब दे जिहड़े नौजवान ने नशे में डुबे ने, लेकिन जवानी जिहड़ी हुण सड़कां ते दिखाई दे रही है, उहदे बारे की बोलो? सर, सरकारां दा शुरू तो जोर लग्या रहा जिहड़ा पंजाब आ, पंजाब ने हमेशा चाहे वह अपने अबदाली दुरानी हुणे हमले करते रहे आ, पंजाब ने हिक डाह के उन्हां दा मुकाबला किया और इस हिंदुस्तान नूं जिहड़ा बाहरलियां ताकतां तों बचा के रखिया। और आज़ादी की लड़ाई लै लो, भावें सरहदां ते ला लो, पंजाबी हमेशा अगे रहिंदे आ। जिन्नियां भी सेंटर में सरकारां बहिंदियां ने, उन्हां दी पता नहीं की सोच आ कि इस कौम नूं थले लाइए, पर यह कौम थले नहीं लगनी ना। हुण जिहड़े हथकंडे अपना रहे ने ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦਾ,
ये हुण पिछे नहीं हटणगे। असीं अपनी जित लैके मोदी नूं झुकना ही पऊगा। दूजी गल, मोदी नूं सोचना भी चाहिए, उदारवादी होकर सोचना भी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री आ, जे लोग इन्नी डिमांड कर रहे आ, जिस ते लोग इन्ने अड़े हुए आ, जनता तो उपर कुछ नहीं हुंदा, पर वह अंबानिया के अदानिया के हाथों विकया होया। इस करके उसकी जिहड़ी बुद्धि आ, उन्होंने जी खरीदो फरोख्त हुई है, उस तो उपर काम नहीं कर रही जी। क्या जा रहा है कि जिहड़ी फंडिंग आ रही है बाहरों, खालिस्तान का समर्थन मिल रहा, क्यों फंडिंग पहला भी जो है लंगर है? मैं जवाब दूंगा, ये सिर्फ ते सिर्फ फैलाया जा रहा कूड़ प्रचार है। किसी खालिस्तानी जथेबंदियां सानू फंडिंग नहीं कर रही, असी ना किसी सियासी जथेबंदी तो ना किसी फिरकू जथेबंदी तो असी फंड नहीं लेंदे। असी तो इतों तक भी आढ़तियां नाल लड़ाई सांझी हो गई, हुण आढ़तियां ने फंड दिते ने इतकी, असी आढ़तियां तो साडी जथेबंदी फंड नहीं सी लैंदी। असी इस गल नूं पूरी तरह रद्द करदे आ। ये लोगों के विच भरम भुलेखे पाउण दे लई, खास करके साडे हिंदू किसानां नूं गुमराह करन खातर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਯੰਤਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ, ਦਾ ਟੀਵੀ ਜਾਣਾ ਰਹੇ।